मुरेश्वर वंदे जगत गुरु। आप सबकी जिज्ञासा ये माँ सर्वेश्वरी कौन है, कौन सी देवी है, कौन से देवता है। तो माँ सर्वेश्वरी के बारे में जो परम पूज्य अग्रेश्वर महाप्रभु ने हम लोगों को बतलाया है कि माँ सर्वेश्वरी आदि शक्ति का नाम था, आदि रूप है, माँ का आदि रूप। माँ जब इस सृष्टि की संरचना नहीं हुई थी उसके पहले का वह रूप है उनका, है माँ का। जब सृष्टि की संरचना हुई तो माँ तीन रूपों में विभक्त हुई। माँ सर्वेश्वरी तीन रूपों में विभक्त हुई, जिसमें से महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली तीन रूप में विभक्त। सृष्टि की संरचना में माँ सरस्वती का रूप और पालन में महालक्ष्मी, संहार में महाकाली, यह तीन रूप में विभक्त माँ सर्वेश्वरी का आदि रूप सर्वेश्वरी है। इन्हीं तीनों की प्रसन्नता, इन तीनों रूपों की प्रसन्नता ही हम मानव का लक्ष्य है। अब हम इनकी आराधना कैसे करें, इनकी साधना की विधि क्या है, इनको प्रसन्न कैसे कर सकते हैं, यह हमसे कैसे प्रसन्न होंगी। हम तुच्छ मनुष्य, कलयुग के प्राणी, पापाचारी, अन्न के बल पर जीवन धारण करने वाले हैं। तो इसके लिए बहुत सरल और सहज उपाय सरकार बाबा ने बताया है। महागुरु का कहना है कि मन महालक्ष्मी, वाणी महासरस्वती, कर्म महाकाली। तो बंधुओं, अगर आप मन से बहुत ही सुंदर विचारों में रहते हैं, मन हमेशा सुंदर ही सुंदर सब कुछ सोचता है, विचारता है, तो महालक्ष्मी प्रसन्न होती है। वाणी से अगर कोई दुष्कर्म नहीं करते, हम वाणी के द्वारा किसी को भी कष्ट नहीं देते, किसी के भी कर्ण को अप्रिय वाणी हम नहीं बोलते, तो महासरस्वती प्रसन्न हो जाती है। और कर्म के द्वारा हमारे जो भी कर्म हो वह इतने सुंदर हो, सबको प्रिय हो, सबके लिए जो कल्याणकारी हो, वही कर्म हम करें तो महाकाली प्रसन्न होती है। और इन्हीं तीनों की प्रसन्नता हम लोगों का लक्ष्य है। अगर मन, वचन और कर्म की ही सुंदरता नहीं हुई हमारे अंदर, तो माँ सर्वेश्वरी को आप प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। और अगर आप मन, वचन और कर्म से अपने अपने ऊपर ध्यान देते हैं, अपना ध्यान लगाते हैं और वैसे ही कर्म को आप करते हैं, तो महा सरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली आपके ऊपर पूर्ण रूप में प्रसन्न होकर वही माँ सर्वेश्वरी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आप अपने जीवन में अनेकों प्रकार के सुख, शांति, समृद्धि को प्राप्त करेंगे। इसलिए आप सबसे मेरा यही कहना है कि येन केन प्रकारेण जीवन चलता रहेगा, जीवन को चलाते रहिए, जीवन की जो भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति में लगे रहिए, दैनिक क्रिया में लगे रहिए। परंतु इसको ध्यान में रखते हुए कि हम दैनिक जीवन भी बिताते हैं तो मन, वचन, कर्म का उपयोग करके ही बिताते हैं, तो दैनिक जीवन को बिताते समय भी मन, वचन और कर्म को जो हम लगाते हैं तो उसको इसी दृष्टिकोण से लगाएं कि मेरे कर्म में लगे हुए रहते हुए भी मन, वचन और कर्म के द्वारा महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली प्रसन्न हो हमसे और माँ सर्वेश्वरी का हमें आशीर्वाद प्राप्त हो। यही माँ सर्वेश्वरी है, इसी को माँ सर्वेश्वरी कहते हैं, सर्व की ईश्वरी माँ सर्वेश्वरी। जय माँ।